मान लेते हैं कि थरकन और मोहन का कत्ल बिना लाइसेंस के ड्रग इस्तेमाल करने वाले केस की वजह से हुआ है, पर तीसरा आदमी जो मारा गया विनोद, उसका इस केस से तो कोई संबंध नहीं है। ही इज एन ऑड मैन आउट। तो फिर उसको इनके साथ ही क्यों मारा? सर, थाराकन और मोहन नायर के रियल एस्टेट के धंधे में जो आदमी एजेंट बना हुआ था वो अपने विनोद सर थे, और विनोद सर इन दोनों बदमाशों के जरिए अपनी गैर कानूनी जमीन का धंधा भी चलाते थे, जॉइंट जॉली और पाइप पांडे। अरे बिल्कुल सही सुना, हम बस 40 के कागज बनवाएंगे और बाकी का 10 कैश चाहिए। कैश के बिना डील नहीं करूंगा, सिंगल प्राइस 50 और उसमें 10 कैश, समझ गए ना? मुझे पता है आपके पास बहुत रोकड़ा पड़ा है, अगर आप चाहे तो मुंबई में भी दे सकते हैं। अरे बहुत आदमी है हमारे वहाँ पर। रमेश सर, पांडे बोल रहा हूँ। हाँ वही पाइप पांडे, कर्नाटका में भी ले सकते हैं, 5% एक्स्ट्रा लगेगा। हाँ अभी मार्केट में तो बेस्ट रेट चल रहा है ना। कर क्या रहा है? 5% मतलब 5% कितना हुआ? ये तो ना ला दे मुझे। हाँ रमेश सर, मैं शाम को बात करता हूँ। अरे जब मैं डील कर रहा हूँ तो बीच में भुगतान जरूरी है क्या? पिछले 8 महीने से उस जगह को निकालना चाह रहा हूँ। जब मैं उस बेवकूफ रमेश को मना चुका हूँ तो तू बीच में आके अपनी नाक क्यों रगड़ रहा है? देख भाई, सारा झोल मैं ही करता हूँ तो कमीशन भी मैं तय करूंगा। तू दिमाग से काम करेगा नहीं क्योंकि वो तेरे पास है ही नहीं, पर अपना जो मुंह है ना उसे बंद रखना, जिससे मिलने जा रहे है ना खतरनाक है, बहुत खतरनाक। कैसा खतरा यार, सस्पेंड हो चुका है वो, चला तू। क्या रे, मैंने कहा था ना 1 बजे मिलने आ रहा हूँ, आधे घंटे से इंतजार करवा रहा है। नहीं सर, वो रास्ते में एक डील की बात कर रहे हैं। गरम क्या है तेरे पास? सर नमकीन लेंगे? मत लीजिए सर। वैसे सर हमसे मिलना क्यों चाहते थे? कोई खास बात नहीं है, तुम दोनों विनोद सर के अंतिम संस्कार पर कहाँ थे? तुम दोनों तो उनके दाहिने हाथ थे ना, क्या बोलते हो? उस समय हम शहर में नहीं थे, मुंबई गए हुए थे। सब कह रहे हैं कि रियल एस्टेट एकदम मंदा चल रहा है, फिर भी विनोद सर ने इतने कम समय में ही इतना ज्यादा माल छाप लिया, क्या राज था इसके पीछे? लगता है आप भी उसी नाव में चढ़ना चाहते हैं। विनोद सर तो अचानक टपक गए, उनकी जगह खाली है सर, आप वो जगह आसानी से भर सकते हैं। लेकिन विनोद सर आपकी तरह नहीं थे सर, यही तो करप्शन का फायदा है, हर जगह सॉलिड कनेक्शन बन जाते हैं और इज्जत भी मिलती है। खैर आपकी सस्पेंशन कब खत्म हो रही है सर? सर एक सस्पेंड हुआ पुलिस वाला और आउटडेटेड सुपरस्टार एक जैसे होते हैं। फिलॉसफी। अच्छा सुनो, हाँ वो जो बंद पड़ा बंगला है, विनोद सर और बाकी के 2 लोग क्या संबंध था उनमें? बंगले के मालिकों में तो झगड़ा चल रहा था ना, तो क्या विनोद सर ने उनके बीच का झगड़ा सुलझा दिया था? ओह, तो ये वजह थी कि आप हमसे मिलना चाहते थे। क्यों सर, वो प्रॉपर्टी आपको चाहिए क्या? हाँ सोच तो रहा हूँ। वो मुश्किल है सर, हम बहुत कोशिश कर चुके हैं। इतना ही नहीं, उस बिल्डिंग के मालिक दुनिया भर में फैले हुए हैं और सभी एक दूसरे से नफरत करते हैं। विनोद सर की भी उस प्रॉपर्टी में नजर थी, जब लगा हाथ नहीं आएगी पीछे हट गए। तो फिर वो लोग उस बंद बिल्डिंग के अंदर आखिर करने क्या गए थे? क्या पता सर, 2 दिन से यही सोचकर हम भी परेशान हैं। हाँ, बंद बिल्डिंग में घुसे कैसे और अंदर उनकी लाश मिली? अब आप उस प्रॉपर्टी को छोड़ दीजिए, और भी कई बढ़िया प्रॉपर्टीज हैं, हम पर भरोसा करके देखिए, बहुत मजा आएगा। जिंदगी का मतलब शान से जी। मैं भी यही सोच रहा हूँ। अच्छा तुम लोग अभी भी ड्रग्स बेचते हो? उसमें बहुत खतरा है सर, और जब से ऋषिराज सर आए हैं ना धंधा ही बंद हो गया, लेकिन अगर कोई अच्छा माल आए तो बताइए ना सर, मशरूम फिश केमिकल या फिर ऐसे कुछ। सर आपके तो एक्साइज और एंटी नार्कोटिक्स में अच्छे कनेक्शन हो गए ना सर, बोलिए तो फिर से धंधा शुरू कर देता हूँ। ऐसे किसी धंधे का नाम ही मत लेना। वो क्यों? वो इसलिए क्योंकि 2 दिन पहले मैंने ड्यूटी ज्वाइन कर ली है। अगर दोबारा ये धंधा करते हुए दिख गए ना, मैयत निकाल दूंगा। क्या कहा तूने? सस्पेंडेड पुलिस वाला और आउटडेटेड सुपरस्टार एक जैसे होते हैं? इतनी जोर से क्यों मारे सर? सुपरस्टार सच में थोड़ी मारता है। हाँ समझ गया, जहां कत्ल हुआ उस बंगले को हर शुक्रवार को ही खोला जाता था ना? जी सर। लगता है गुरुवार की रात इस वारदात को अंजाम देने के लिए जानबूझकर तय की गई थी, ताकि जब बंगला शुक्रवार को खोला जाए तो लाशें वहां पड़ी मिले बिना किसी नुकसान के, बिना सड़े गले। पर क्यों सर? ताकि दुनिया वालों को जल्द से जल्द मरने वालों के बारे में पता चल सके। खूनी इन कत्लों के जरिए समाज के लोगों में जरूर कोई ना कोई खास मैसेज पहुंचाना चाहता था। कुछ तो है जिसे हमने अनदेखा कर दिया है या अभी तक ढूंढ नहीं पाए, वो जरूर सीन ऑफ क्राइम पे है इकबाल, आई एम श्योर। 3 एकदम तंदुरुस्त लोग एक जहरीला इंजेक्शन लगवाने के लिए इतनी आसानी से आखिर मान कैसे गए? ये कुछ अजीब सा नहीं है? खुद को बचाने का मौका नहीं मिला होगा सर उनको, क्योंकि हो सकता है गन पॉइंट पर हूं वो तीनों। बिल्कुल सही, तो इसका मतलब खूनी अकेला नहीं था,
कम से कम दो लोग और थे, एक के हाथ में गन होगी और दूसरे के हाथ में इंजेक्शन।